हमीरपुर में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं और दिन दिहाड़े भी चोर घरों में घुसकर डाका डालने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ताजा मामले में हमीरपुर शहर के साथ लगते वार्ड नंबर 3 प्रताप नगर में चोरों ने एक घर में घुसकर मात्र 20 मिनट में चोरी को अंजाम दिया है, जिसमें करीब 5 लाख के गहनों व सामान पर हाथ साफ किया है। जानकारी के अनुसार चोरों ने राणा हाउस में उस समय घर को निशाना बनाया जब घर में अकेली महिला बच्चों को स्कूल लेने के लिए गई, लेकिन जब वापस करीब 20 मिनट बाद आई तो देखा कि बाहर का दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ है और अंदर लॉकर से भी गहने गायब थे। वहीं पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर छानबीन की है और चोरों की तलाश जारी कर दी है। वार्ड नंबर 3 के निवासी दीपक शर्मा ने बताया कि चोरों ने दिन के समय घर में घुसकर ताला तोड़कर चोरी की है और करीब 4 लाख के गहने व सामान को चुराया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि चोरों का जल्द पता लगाया जाए। इनके घर से जो है, जब इन्होंने देखा कि घर की महिला जो है वो बच्चों को लाने के लिए जा रही है, तो जितनी देर 20-25 मिनट के लिए वो बाहर गई, उतनी देर में किसी व्यक्ति ने घर के अंदर से जो है वो लॉकर तोड़कर जो है वो सामान जो है वो लेके गई है। वो सामान सारा पुलिस को लिखवाया है कि लगभग जो है वो 3-4 लाख रुपए के लगभग जो है वो चोरी हुई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें हम यही निवेदन करेंगे कि पुलिस जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही करे। वहीं महिला ने बताया कि वार्ड नंबर 3 में आए दिन चोरियां हो रही हैं और लोग दहशत में हैं। उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले एसपी से भी गुहार लगाई गई थी कि कभी कभार इलाके में पुलिस गश्त लगाई जाए ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे लोगों में रोष है। अच्छा, आज हमारे वार्ड नंबर 3 प्रताप नगर में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक घर में चोरी हो गई दिन दिहाड़े, जबकि वो लेडी सिर्फ आधे घंटे के लिए बाहर गई थी, तो उसी के दौरान उन्होंने सारा काम करके वो अपने निकल गए। 3-4 लाख का नुकसान बताया हुआ है। फिर एसपी साहब हमें मिल नहीं पाए, लेकिन हम एएसपी से मिले थे तो उन्होंने हमें बोला कि ठीक है, हम देखेंगे करेंगे। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ बोल रही हूँ कि आज दिन तक ना कोई पुलिस वाला हमें कॉन्टैक्ट करने आया, ना कोई गश्त वाला आया।